हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और भदोही विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी रह चुके शैलेंद्र दुबे जी हैं। शैलेंद्र दुबे जी की पहचान भाजपा के एक कर्मठ और समर्पित कार्यकर्ता के रूप में भी रही है। तमाम पदों पर रह चुके हैं, जनपद भाजपा समेत अन्य जिम्मेदारियों को बखूबी निर्वहन कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे शैलेंद्र दुबे जी से और जानेंगे कि जो प्रदेश सरकार के दावे थे, चाहे वो विकास कार्यक्रमों के रहे हों या फिर अन्य क्षेत्रों में रहे हैं, किस हद तक और किस सीमा तक पूरी हुए हैं। साथ ही ये भी जानेंगे कि आगामी समय में विधानसभा चुनाव की तैयारियां चल रही हैं और चुनाव काफ़ी नज़दीक आ चुका है, ऐसे में क्या रणनीति होगी, इस कैसे भाजपा को सफलता मिलेगी, किस तरह की सफलता मिलेगी। हम बात करते हैं शैलेंद्र दुबे जी से। दुबे जी, देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास नारे के साथ उत्तर प्रदेश की सत्ता में आई और विकास के तमाम एजेंडों पे कार्य किया। क्या मानते हैं किस तरह से सफल रही है विकास कार्यों के लेकर बीजेपी? सर्वप्रथम तो हम आपको, अभी दीपावली का त्यौहार बीता है, गोवर्धन पूजा और भैया दूज का त्यौहार बीता है, मैं इसको मिथिलेश जी आपको इसकी शुभकामना देता हूँ। विकास के कार्यों में उत्तर प्रदेश सरकार ने आदित्यनाथ योगी महाराज जी के नेतृत्व में जो कार्य किया है उसके लिए बताने की आवश्यकता नहीं है, सूरज को दीपक दिखाना है। लोगों ने चर्चा में सुना था कि त्रेता में जब भगवान राम अयोध्या लौट के आए तो उस खुशी में अयोध्या वासियों ने दीपक जला करके दीपावली मनाया। अभी आपने देखा कि दीपावली का भव्य दीपोत्सव जो अयोध्या में संपन्न हुआ है वह ऐतिहासिक है और पूरी दुनिया के लिए एक नज़ीर है। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि इस सरकार की। विकास के कार्यों में आप, पूर्वांचल एक्सप्रेस निर्मित हो चुका है, इसी सप्ताह अगले सप्ताह उसको लोकार्पित कर दिया जाएगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेस चल रहा है। कानून और व्यवस्था उत्तर प्रदेश के विकास की सबसे बड़ी बाधा थी और आदरणीय महाराज जी का जो बुलडोजर गर्जा उसने उत्तर प्रदेश में विकास के रास्ते को खोल दिया। अपराधी मुक्त, माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश पूरे देश के, पूरी दुनिया के व्यापारी जिस ढंग से आकर्षित होकर के और उत्तर प्रदेश में निवेश कर रहे हैं उसी का परिणाम है कि आज अर्थव्यवस्था के मामले में उत्तर प्रदेश भारत का दूसरे नंबर का राज्य, कभी 14वें नंबर पर था। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम 16वें नंबर पर थे, आज हम दूसरे नंबर पर हैं। तो यह आदरणीय महाराज जी के विकास के रास्ते बनाए गए थे, जो मार्ग अवरुद्ध थे उन्हें खोला। सिंगल विंडो सिस्टम, सारे लाल फीताशाही को समाप्त करके विकास का मार्ग खोला। इंफ्रास्ट्रक्चर हो, बिजली पहले जाने की चर्चा होती थी, आने की चर्चा होती थी, आज बिजली के जाने की चर्चा होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे बिजली की उपलब्धता है, उद्योग को चाहिए क्या? विकास का आधार ही बिजली, पानी और सड़क तथा कानून और व्यवस्था है। यह चारों इस राज्य में चाक चौबंद है और विकास के पथ पर उत्तर प्रदेश तेजी से दौड़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। पूरी दुनिया में यह समस्या थी लेकिन अभी भारत सरकार ने दीपावली पर पूरे देश को तोहफा दिया और अपनी एक्साइज ड्यूटी को घटाया। उत्तर प्रदेश सरकार ने तुरंत उसको बढ़ोतरी करते हुए वैट को हटाया। लेकिन मैं विपक्ष से पूछना चाहता हूँ कि जिस मुद्दे को लेकर के हल्ला मचा रहे हो, भाजपा शासित सारे राज्यों ने वैट हटा दिया लेकिन कांग्रेस शासित राज्यों में अभी सिर्फ दबाव के बाद पंजाब ने हटाया है, बाकी विपक्ष के किसी राज्य ने नहीं हटाया है। तो यह आईना तो पहले उनको दिखाना चाहिए कि जिस समस्या के लिए आप इतना हल्ला मचा रहे थे उस पर आपने क्या किया। एक समस्या थी सब्जी, वह प्राकृतिक था, इतनी ज़बरदस्त बरसात पूरे देश में हुई है तो सब्जियां नष्ट हो गई थी और इसी 15-20 दिनों के अंदर यह समाप्त हो जाएगा। खाद्य तेल कम हो गया है तो महंगाई कहाँ, एक सिर्फ डीजल और पेट्रोल मुद्दा था, उसे भारत सरकार ने तथा उत्तर प्रदेश सरकार ने समाप्त कर दिया है, यह कोई मुद्दा रह ही नहीं गया। देखा जाए तो आगामी समय में चुनाव नज़दीक आ चुके हैं, विधानसभा के चुनाव 2022 में होने हैं, तो ऐसे में किस तरह की
तैयारियां चल रही हैं, क्या मानते हैं कितनी सफलता मिलेगी पिछले बार की तुलना में इस बार बीजेपी को? इस बार जो भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है वह 350 के पार, अब की बार 350 के पार। हमारा जो कार्य चल रहा है, जो संगठन का निर्देश है, उसके अनुसार मतदाता पुनरीक्षण का कार्यक्रम चल रहा है। 7, 13, 21, 28 यह विशेष अभियान है। अभी 7 तारीख को हम सब लोग पूरे जनपद में हर बूथों पर जाने का प्रयास किए। हमारे बूथ अध्यक्ष, हमारे शक्ति केंद्र प्रमुख, हमारे कार्यकर्ता BLO के साथ, BLA 2 के साथ बैठ करके उसका पुनरीक्षण कर रहे हैं। और हमारा पूरा प्रयास है कि हम पहले मतदाता सूची को पुनरीक्षित करके उसे चाक चौबंद कर लें। संगठन का कार्य यह 24 घंटे 7 दिन 30 दिन 365 दिन कार्य करने वाली पार्टी है। हम अनवरत कार्य करते रहते हैं, हम नित्य चुनाव लड़ते रहते हैं। हमें चुनाव की तैयारी कोई अलग से नहीं करनी है। हमारा संगठन सतत प्रवाह करता रहता है और सतत प्रवाह करने वाला जल ही स्वच्छ रहता है। रुका हुआ पानी गंदा हो जाता है, उस पर कीड़े पड़ जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का संगठन अनवरत चल रहा है। हम तैयारी में हैं, हम चुनाव की तैयारी में हैं। मतदाता सूची के बाद हम पूर्ण रूप से उसी काम में लगे हुए हैं और इस बार भारतीय जनता पार्टी 350 के पार जाएगी। चलते चलते क्या संदेश देना चाहेंगे कार्यकर्ताओं को? देखा जाए तो जनपद में भी छोटी मोटी समस्याएं हैं, जैसे जिला अस्पताल अभी तक नहीं बन पाया है, तमाम विकास कार्य भी संचालित हैं। ऐसे में जनपद को क्या आगे आने वाले समय में कुछ सौगातें मिलने वाली हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री भी अभी आए थे, तो ऐसे में क्या संदेश देंगे जनपद वासियों को और कार्यकर्ताओं को? अभी महाराज जी ने भदोही आगमन पर जो उन्होंने कहा कि 100 शैया का अस्पताल पिछली सरकारों के भ्रष्टाचार और नाकामी का जीता जागता स्मारक है, यह जिले की जनता देख रही है कि किस ढंग से 18 करोड़ सपा और बसपा की सरकार पूरी तरह हजम कर गई। अगले फेज में इस जिले को मेडिकल कॉलेज मिलने जा रहा है, इसकी घोषणा महाराज जी ने कर दी है। सारे अस्पतालों को हम दुरुस्त कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेज मिर्ज़ापुर, कुशीनगर, 9 मेडिकल कॉलेजों को अभी महाराज जी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसका लोकार्पण किया है। आज एक ढंग से 52 मेडिकल कॉलेज आपके संचालित हैं। अगले फेज में उत्तर प्रदेश का हर जनपद मेडिकल कॉलेज से संचालित रहेगा और विकास के तमाम योजनाएं हैं जिस पर हम काम कर रहे हैं, हम अनवरत काम कर रहे हैं। और सभी कार्यकर्ताओं से मेरा निवेदन है कि हम जिस कार्य के लिए आगे बढ़े हैं, हम जिन वैचारिक कार्य के लिए दल के साथ जुड़ करके हम काम कर रहे हैं, हमारा लक्ष्य है कि भारत माता को परम वैभवशाली बनाना, भारत को विश्वगुरु बनाना। वह इन्हीं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के और अपने यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी के आदर्शों पर चलते हुए हम निश्चित रूप से उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे और भारत अतिशीघ्र विश्वगुरु तथा दुनिया में अग्रणी राष्ट्र के रूप में खड़ा होगा। इस नाते 24 के चुनाव से पहले 22 उसका सेमीफाइनल है और 22 में स्पष्ट बहुमत के साथ 350 के पार किसी कीमत पर जीतना है कार्यकर्ता मित्रों, इसलिए पूरे प्राणपण से आप इसमें जुट जाइए। यही मेरा निवेदन है, यही मेरा आग्रह है। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ भाजपा नेता शैलेंद्र दुबे जी, जिन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने विकास के किन मसलों को उठाया और कहां तक सफलताएं मिली। साथ ही जनपद का जिला अस्पताल हो या अन्य मसले, सभी पे मुख्यमंत्री का ध्यान रहा और यहां तक कि तमाम योजनाएँ क्रियान्वित भी की गई। मेडिकल कॉलेज हर जिले में होने जा रहा है। इन सबसे इतर कार्यकर्ताओं को संदेश दिया है कि वो आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट जाएं, खास तौर से बूथ स्तर का जो कार्य चल रहा है उसमें सभी प्राण से जुट जाएं। तो फिर मिलेंगे हम एक और खबर के अपडेट के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।